हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। अगर आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दिसंबर 2019, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर यू बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स परचेज करना है सो वो भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसा कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। सो देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द मॉडल गिवन बाय हेनरी मिंटबर्ग, द स्ट्रेटजी दैट केम्स इनटू एक्शन इज मेड अप ऑफ। सो बेसिकली जो भी स्ट्रेटजी आपकी एक्शन में आती है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है। सो आपके पास ऑप्शंस गिवन है, इंटेंडेड स्ट्रेटजी प्लस डेलिब्रेट स्ट्रेटजी, इंटेंडेड स्ट्रेटजी प्लस एमरजेंट स्ट्रेटजी, डेलिब्रेट स्ट्रेटजी प्लस एमरजेंट स्ट्रेटजी एंड नन ऑफ द अबव। सो देखिए, अगर इसका आंसर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसके बाद आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। सो देखिए, सबसे पहले हम इस मॉडल को समझ लेते हैं जो हेनरी मिंटबर्ग ने दिया है, सो दैट आप इस आंसर को ईजिली कर पाए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मॉडल हेनरी मिंटबर्ग ने दिया था। इसके अंदर इंटेंडेड स्ट्रेटजी, डेलिब्रेट स्ट्रेटजी, नॉन रियलाइज स्ट्रेटजी, रियलाइज स्ट्रेटजी एंड एमरजेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात की गई है। तो हम इन पांचों पॉइंट्स को देख लेते हैं और समझते हैं कि आखिर इन पांचों पॉइंट्स का मतलब क्या है। सो देखिए, सबसे पहले आपको बोला गया है यहाँ पे इंटेंडेड स्ट्रेटजी के बारे में। सो यहाँ पे हम इसको एक मॉडल को बना लेते हैं पहले और फिर हम इसको समझते हैं। यहाँ है आपकी इंटेंडेड स्ट्रेटजी। सो देखिए, ये मॉडल आपको गिवन है, हम इस मॉडल को समझते हैं। सबसे पहला है आपका इंटेंडेड स्ट्रेटजी, और इंटेंडेड स्ट्रेटजी से आपका अल्टीमेट बन रहा है आपका रियलाइज स्ट्रेटजी। सो देखिए, जो इंटेंडेड स्ट्रेटजी है वो क्या होती है? सो ये बेसिकली होता है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल होप कर रहा है कि वो बेसिकली कौन सी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करेगा, सो उसको बोलते हैं इंटेंडेड स्ट्रेटजी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया है। चलिए आगे हम बात करें नॉन रियलाइज स्ट्रेटजी की। सो देखिए, अब जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया है वो हो सकता है एग्जीक्यूटेबल हो या नॉन एग्जीक्यूटेबल हो। सो जो भी नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट है उसका, उसको अबंडन कर दिया जाता है और वो होता है आपका नॉन रियलाइज स्ट्रेटजी। नाउ अब देखिए, जो आपकी इंटेंडेड स्ट्रेटजी है उसके अंदर से आप नॉन रियलाइज स्ट्रेटजी को, जो भी एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, अगर आप उसको डिडक्ट कर देंगे तो आपका आएगा डेलिब्रेट स्ट्रेटजी। सो डेलिब्रेट स्ट्रेटजी होता है इंटेंडेड स्ट्रेटजी माइनस नॉन रियलाइज स्ट्रेटजी। सो आपका यहाँ पे डेलिब्रेट स्ट्रेटजी क्या होगा? इंटेंडेड स्ट्रेटजी माइनस नॉन रियलाइज स्ट्रेटजी। नाउ अब देखिए, एमरजेंट स्ट्रेटजी क्या होता है? अब आप कोई भी आपने स्ट्रेटजी बनाई और उसको आप जब एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, सो एग्जीक्यूट करते समय आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी होंगी और चैलेंजेस भी होंगे। सो अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस को देखते हुए आपने और भी स्ट्रेटजी बना ली तो वो होती है आपकी एमरजेंट स्ट्रेटजी। आपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपने थोड़ी सी स्ट्रेटजी को चेंज किया और कोई दूसरी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी, या फिर आपने अपॉर्चुनिटी देखी और अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग और भी फर्दर स्ट्रेटजीज बना ली, सो वो होती है आपकी एमरजेंट स्ट्रेटजी। और जो आपकी रियलाइज स्ट्रेटजी होती है, ये होती है आपकी बेसिकली एक्शन। जो भी आपकी एक्शन में आती है, जो भी बेसिकली एग्जीक्यूट होती है स्ट्रेटजी। सो ये देखिए, बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रियलाइज है ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डेलिब्रेट स्ट्रेटजी प्लस एमरजेंट स्ट्रेटजी। सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? स्ट्रेटजी दैट केम्स इनटू एक्शन इज मेड अप ऑफ। सो ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? डेलिब्रेट स्ट्रेटजी प्लस एमरजेंट स्ट्रेटजी का। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं सो दैट आप इसको ईजिली रिमेंबर कर पाए। सो यहाँ पे आपके पास जो एग्जाम्पल है वो है होंडा का। बेसिकली आप होंडा कंपनी को जानते होंगे, मोटर बाइक कंपनी है बेसिकली ये होंडा। सो देखिए, होंडा कंपनी ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि वो बेसिकली यूएसए के अंदर वो 250cc की बाइक्स को सेल करेंगे। सो यहाँ पे उनकी इंटेंशन थी, बट यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली जब उन्होंने इंटेंशन को एग्जीक्यूट करना चाहा तो वो फेल हो गया। वहाँ पे जो उनकी 250cc की बाइक्स थी वो ज़्यादा बिकी नहीं। सो यहाँ पे जो आपकी इंटेंडेड स्ट्रेटजी है वो हो रही है यहाँ पे होंडा की फेल।
नाउ अब देखिए यहाँ पे डेलिब्रेट स्ट्रेटजी और इमरजेंसी स्ट्रेटजी क्या है उसकी। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, वहाँ यूएसए की एक लोकल कंपनी ने होंडा को एक ऑर्डर दिया कि बेसिकली आप हमारे लिए 50cc की कई सारी बाइक्स बना दीजिए। सो देखिए यहाँ पे होंडा को क्या हुआ कि 50cc की कई सारी बाइक्स बनाने का ऑर्डर मिल गया। सो देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अराइज हुई है होंडा के लिए। सो वो उसके लिए है इमरजेंट स्ट्रेटजी। अब देखिए जो उसने सोचा था बेसिकली यहाँ पे उसने यूएसए के अंदर अपनी मार्केट डेवलप करने के बारे में सोचा था। सो यहाँ पे उसने फैक्ट्री अपनी सेटअप की, बट यहाँ पे जो उसके मॉडल्स थे वो फेल हो गए। सो मॉडल्स तो फेल हो गए बट जो उसका फैक्ट्री सेटअप है वो अभी भी है और उसको 50cc की बाइक्स का ऑर्डर भी मिल गया। सो यहाँ पे उसका डेलिब्रेट स्ट्रेटजी प्लस में इमरजेंट स्ट्रेटजी दोनों मिलके वहाँ पे अब वो 50cc की बाइक्स बना रही है। सो ये है उसकी रियलाइज स्ट्रेटजी। अब नाउ अब देखिए यूएसए के अंदर जो 1/3 बाइक्स हैं वो बेसिकली होंडा की हैं। सो आप देख सकते हैं कि कोई भी कंपनी जो इंटेंड कर रही है अगर वो पूरा नहीं भी हो रहा है, अगर उसके अंदर से कुछ पार्ट अबंडन कर दिया जा रहा है, स्टिल वो अपनी डेलिब्रेट स्ट्रेटजी और इमरजेंसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी को रियलाइज कर सकती है। सो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया हेनरी मिंटबर्ग के मॉडल के बारे में। सो इससे रिलेटेड और वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।